السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 पढ़ेंगे 31. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल कह दीजिए इन अगर कुन तुम हो तुम तो ही बुनल्लाह मोहब्बत करते अल्लाह ताला से तभी ऊनी तो तुम इत्तबा करो मेरा युहबिबकुमुल्लाहु मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह ताला वयग़फिरलकुम और बख्श देगा तुम्हारे लिए ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाह वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है. इस आयत में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि यहूदो नसारा दोनों का दावा था कि हमें अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला को हमसे मोहब्बत है. बिलखसूस नसरानियों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तज़ीम व मोहब्बत में जो इतना गुलू किया कि उन्हें दर्जा अलवहियत पर फाइज कर दिया. इसकी बाबत भी उनका ख्याल था कि हम इस तरह अल्लाह ताला का कुर्ब और उसकी रजा व मोहब्बत चाहते हैं. अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके दावों और खुद साख्ता तरीकों से अल्लाह ताला की मोहब्बत और इसकी रजा हासिल नहीं हो सकती. उसका तो सिर्फ एक ही तरीका है कि मेरे आखिरी पैगंबर पर ईमान लाओ और उसकी इत्तबा करो. इस आयत ने मोहब्बत के दावे करने वालों के लिए एक कसौटी और मयार मुहैया कर दिया है कि मोहब्बत इलाही का तालिब अगर इत्तबाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये मकसद हासिल करना चाहता है तो फिर तो यकीनन वो कामयाब है और अपने दावे में सच्चा है, वरना वो झूठा है और इस मकसद के हसूल में नाकाम रहेगा. सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन खसलतें ऐसी हैं कि जो किसी शख्स में मौजूद हों तो वो उनके ज़रिए ईमान की लज्जत और उसकी मिठास को पा लेता है. नंबर एक ये कि उसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो. दूसरे ये कि उसे किसी शख्स से अगर मोहब्बत हो तो महज अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर हो. और तीसरे ये कि उसे कुफर की तरफ लौटना इसी तरह नापसंद हो जैसा कि जहन्नम में डाला जाना उसे नापसंद है. सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने बाप अपनी औलाद और दीगर तमाम लोगों की निस्बत मुझसे ज़्यादा मोहब्बत ना करे. अब्दुल्ला बिन हशाम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा हुआ था. इसी असना में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत है,
हाँ अलबत्ता मेरी जान से ज्यादा महबूब नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जहाँ तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब हो जाऊं। चुनाचे सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा है, अब अल्लाह ताला की कसम आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर अब बात बनी है। सैयदना उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं इस्लाम लाने से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद बुग़्ज़ रखता था, फिर जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा की तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। इसके बाद मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत करने लगा। वो फरमाते हैं, और अब कोई शख्स ऐसा ना था जो मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब होता, और ना कोई ऐसा था जिसका मुकाम व मर्तबा मेरी नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मुकाम व मर्तबा की वजह से मैं इस बात की ताकत नहीं रखता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख भर के देख लूं। अगर मुझसे सवाल किया जाए कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के मुतल्लिक बयान करूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख भर के नहीं देखा। आयत नंबर 32। कुल कह दीजिए, आतिउल्लाह तुम अतात करो अल्लाह ताला की, वर रसूल और रसूल की, फ़ाइन फिर अगर, तवल्लो वो मुँह फेर लें, फ़ाइनल्लाह तो बिलाशुबा अल्लाह ताला ला युहिब्बुल काफिरीन नहीं पसंद करता काफिरों को। इस आयत में अल्लाह ताला की अतात के साथ साथ अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ताकीद करके वाज़े कर दिया कि अब निजात अगर है तो सिर्फ अतात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, और इससे इनहराफ कुफर है, और ऐसे काफरों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। इस आयत में अल्लाह ताला की अतात के साथ साथ अल रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का मुस्तकिल हैसियत से हुक्म दिया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अल रसूल की अतात सुन्नत की पैरवी से हो सकती है। बाज़ लोग गलत फहमी की बिना पर कह देते हैं कि हदीस वही हुज्जत होगी जो कुरान के मुताबिक हो, हालांकि कुरान ने मुतअद्दद मौक़ों पर हदीस को मुस्तकिल दलील और शरीयत के माखज़ की हैसियत दी है, लिहाजा कानून का माखज़ कुरान और हदीस दोनों करार पाएंगे। हदीस में कुरान से ज़ायद हुक्म तो हो सकते हैं, मगर कोई सही हदीस कुरान के ख़िलाफ़ नहीं। अगर कोई शख्स ये समझता है तो ये इसकी अक्ल व फहम का कसूर है या इसकी नियत का फतूर। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लौ अन्हु व अन्तुम तस्माउन, सूरत अल अनफाल में, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला का और उसके रसूल का हुक्म मानो और उससे मुंह ना फेरो जबकि तुम सुन रहे हो। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर्रसूल व ला तुबतिलू आमालकुम, सूरत मोहम्मद में, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला का हुक्म मानो और उस रसूल का हुक्म मानो और अपने अमाल बातिल मत करो। और फरमाया, व आतिउल्लाह व आतिउर्रसूल वाहज़ारू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमु अन्नमा अला रसूलिना अल बलागुल मुबीन, सूरत अल माईदा में,
और अल्लाह ताला का हुक्म मानो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो और बच जाओ। फिर अगर तुम फिर जाओ तो जान लो कि तुम्हारे हमारे रसूल के जिम्मा तो सिर्फ वाजे तौर पर पहुंचा देना है। सैयदना अबू राफी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से किसी को इस हाल में ना पाऊं कि वो अपने तकिए पर टेक लगाए हुए हो, उसके पास मेरे हुक्म में से कोई हुक्म आए उन चीज़ों में से जिनका मैंने हुक्म दिया है या मैंने मना किया है, तो वो कहे हम नहीं जानते, हम अल्लाह ताला की किताब में जो पाएंगे उसकी पैरवी करेंगे। सैयदना अमार बिन रवैया रवैबा रजी अल्लाह अन्हु ने हाकम वक्त बशर बिन मरवान को दुरान खुतबा जुमा में मेंबर पर दोनों हाथ उठाते हुए देखा तो फरमाया, अल्लाह खराब करे इन दोनों हाथों को, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ज्यादा करते नहीं देखा। और उन्होंने अपनी शहादत की उंगली से इशारा किया। सैयदना सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उनके बाप ने उन्हें बताया कि एक आदमी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाएं हाथ से खाना खाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दाएं हाथ से खाओ। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, अल्लाह करे तो इससे ऐसा ना हो सके। उस शख्स ने तो तकब्बुर से ये बात कही थी, कोई शरई उजर नहीं था। तो रावी कहता है कि फिर वो शख्स उम्र भर अपना दायां हाथ मुंह तक ना उठा सका। आयत नंबर 33। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने हस्तफा चुन लिया आदम आदम अलैहिस्सलाम को व नूहन और नूह अलैहिस्सलाम को व आला इब्राहिम और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को व आला इमरान और इमरान को अलल आलमीन तमाम जहानों पर। ऊपर की आयात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा व अतात का हुक्म दिया है। अब इसी आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के असबात के सिलसिला में फरमाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी उस खानदान नबूवत से है जिसको अल्लाह ताला ने चुन लिया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले इब्राहिम से हैं। इन्नल्लाह हस्तफा आदम, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया, उनको और उनकी औलाद को ज़मीन में खलीफा बनाया, उन्हें अपने फरिश्तों से सजदा करवाया, उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, उन्हें अपने जन्नत में बसाया, फिर हिकमत व मसलहत के पेशे नज़र उन्हें ज़मीन में उतार दिया। इरशाद बारी ताला है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा ता अल-बकरा, बेशक मैं ज़मीन में एक जानशीन बनाने वाला हूँ। और फरमाया, व अल्लामा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, सूरत अल-बकरा में, और आदम को सब के सब नाम सिखला दिए। और फरमाया, व इज़कुलना लिल-मलाइका तिस्जुदू लिआदमा फसजदू इल्ला इब्लीस, अल-काहफ में, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस के सिवा। और फरमाया, व या आदम मुस्कुन अंता व जोजो कल जन्नता फकुला मिन हैसु शितुमा, सूरत अल अराफ में, और ए आदम तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो, बस दोनों खाओ जहां से चाहो। सैयदना अंस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यामत के दिन लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे,
आप तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया है। आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आपको सजदा करें, तो उन्होंने आपको सजदा किया और अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में रहने की जगह दी और आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। वनूहन, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया, उन्हें अहले ज़मीन की तरफ पहला रसूल बनाया और जब लोगों ने बुतों की पूजा शुरू कर दी तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिन और रात अलग अलग और इज्तमाई हर तरह से दावत अल्लाह दी। सैयदना अंस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों की तरफ मबूस फरमाया। व आला इब्राहीम, अल्लाह तबारक व ताला ने आले इब्राहीम का इंतखाब फरमाया। सैयदुल बशर और खातिमुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक भी उसी ख़ानदान नबूवत से है। इरशाद बारी ताला है, फ़कत आतैना आला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सूरत अन्निसा में, तो हमने तो आले इब्राहीम को किताब और हिकमत अता फरमाई और हमने उन्हें बहुत बड़ी सल्तनत अता फरमाई और फरमाया, वलकद अरसलना नूहम व इब्राहीमा वजा अलना फी ज़ुर्रियातिहा मन्नबुवता वल किताबा फमिनहुम मुहतद व कसीरुम मिनहुम फासिकून। सूरत अल हदीद में, और बिलाशुबा यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा और उन दोनों की औलाद में नबुवत और किताब रखी, फिर उनमें से कुछ सीधी राह पर चलने वाले हैं और उनमें से ज़्यादा नाफरमान हैं। व आला इमरान अलल आलमीन, अल्लाह ताला ने आले इमरान को मुंतखब फरमाया। इस इमरान से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इरशाद फरमाया, उलाइक अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीना मिन ज़ुर्रियाति आदम वमिम्मन हमलना मा नूहिन वमिन ज़ुर्रियाति इब्राहीम व इसराइल। सूरत मरियम में, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया नबियों में से आदम की औलाद से और उन लोगों में से जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसराइल अलैहिस्सलाम की औलाद यानी यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से। आयत नंबर 34, ज़ुर्रियातम बाज़ुहा, उलाद हैं बाज उनके मिन बाज़िन बाज की, वल्लाहु अल्लाह ताला समीउन खूब सुनने वाला अलीम खूब जानने वाला है। गोया सब अम्बिया आदम अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर आले इमरान में से थे, लिहाजा वो भी इंसान थे, अल्लाह या अल्लाह ताला के बेटे नहीं थे। आगे अहले नजरान और नसरानियों के अकीदे के इब्ताल के लिए ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का किस्सा शुरू होता है। आयत नंबर 35, इस जब काला तिमरा आ तो इमराना, कहा इमरान की बीवी ने, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने
नजर तो नजर मानी है लका तेरे लिए। माँ इस बच्चे की जो फी बतनी मेरे पेट में है, मुहर्ररन आजाद किया हुआ पता कब्बल, चुनाचे तू कबूल कर मिन्नी मुझसे ये इन्ना का अंता, यकीनन तू ही है असमीउल अलीम, खूब सुनने वाला खूब जानने वाला। आयत नंबर 36। फलम्मा फिर जब वजा था उसने जना उसे कालत, तो कहा रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने तो वजातुहा जनी है वो उनसा लड़की, वल्लाहु अल्लाह ताला आलमो खूब जानता था। बीमार इसको जो वजात उसने जना था, वलैसा और नहीं था, वलैसा जकारू और नहीं था वो लड़का, कल उनसा मानिंद उस लड़की के, व इन्नी और बेशक मैंने समैतुहा उसका नाम रखा, मरियमा मरियम व इन्नी और बेशक मैं, ओ ईज़ोहा बिका उसे तेरी पनाह में देती हूँ, वज़ुर्री याता हा और फिर उसकी औलाद को भी, मिन शैतान निर्रजीम शैतान मर्दूद से। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जो मन्नत मानी थी वो इस मौका से मानी थी, इस तवक्को से मानी थी कि उनके हाँ लड़का पैदा होगा, क्योंकि उस अहद में लड़के तो अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ किए जाते थे, लड़कियों को वक्फ करने का रवाज नहीं था। मगर हुआ ये कि लड़के की बजाय लड़की पैदा हुई और इस बात पर अफसोस होना एक फितरी अमर था। वलैस ज़ाकारु कल उनसा, बज़ाहिर तो कहना चाहिए था कि लड़की लड़के जैसी नहीं, मगर इसके बरक्स फरमाया, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लड़का जो इमरान की बीवी के जहन में था उस लड़की जैसा नहीं हो सकता जो उन्हें अता की गई है। वा इन्नी समैतुहा मरियमा, बच्चे का नाम विलादत के पहले रोज भी रखा जा सकता है, सातवें दिन का इंतजार जरूरी नहीं बल्कि वो नाम रखने की आखिरी हद है। सैयदना अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है और मैंने अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर उसका नाम इब्राहिम रखा है। सैयदना अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरी वालदा ने जब बच्चे को जन्म दिया तो वो अपने भाई को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुट्टी दी और उसका नाम अब्दुल्ला रखा। वा इन्नी ओ ईज़ोहा बिका वज़ुर्रियताहा मिन शैतान रजीम, यानी उम्मे मरियम ने दुआ की के अल्लाह मैं इस बच्ची और उसकी औलाद यानी ईसा अलैहिस्सलाम को तेरी पनाह में देती हूँ। चनाचे अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा जब पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है तो वो गिड़गिड़ा कर रोता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मस्जिद शैतान से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखा। मा मिन मौलूदिन
يولادو إلا مساه الشيطان حين يولادو فيستهلو ساري خن من مسيه إياه إلا مريم وابنها صحيح بخاري. सही बुखारी की रवायत में है कि वहद हज़रत इब्राहिम मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शैतान के छूने से महफूज रहे थे। यह हदीस बयान करने के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, व इन्नी ओइज़ुहा बिका व ज़ुर्रियताहा मिनश शैतानिर रजीम, और बेशक मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मर्दूद से तेरी पनाह में देती हूँ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।